अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को ये पूछते हुए देखा होगा कि मक्का में मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते, काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते, काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते, मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है, तो क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज आपको बताएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि जितने भी मुसलमान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीने को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीने में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। अगर कोई परिंदा या कोई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से ढकेल दिया जाता है या फिर वो जल करके तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर के कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये पोस्ट सरासर गलत है, झूठ है, काबा के ऊपर से हवाई जहाज कभी नहीं गुजरता और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते। इस तरह के कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि इस पोस्ट में कितनी हकीकत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद दो है, एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान से ठीक हमारे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायत में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की तीन वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है, इसी वजह से कि किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीने में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीने में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बस या ट्रेनों में भर करके मक्का और मदीने में ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर मनाई की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीने में दाखिल नहीं हो सकते, इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी वजह एक ये भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरी मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचें कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है,
और मक्का शरीफ तो दुनिया के एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब से भी आने नहीं दिया जाता। तो इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत ने इस वजह से किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर के दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लग जाए तो मुसलमान की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इसी वजह से भी काबा के ऊपर से भी हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या काबा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं उड़ सकता और क्या काबा पर कोई परिंदा नहीं बैठ सकता? तो इसका जवाब इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि काबा पर परिंदा नहीं बैठ सकता। दोस्तों, काबा की छत पर कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और एक सवाल बहुत किया जाता है कि काबा ये पृथ्वी के ठीक बीच यानी सेंटर में है, एक इंच भी दाएं या बाएं नहीं है। इसीलिए अगर आपको कुछ बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि पृथ्वी असल में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और ऐसी फील्ड के केंद्र में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और ये मैग्नेटिक चार्ज का सेंटर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके ऊपर पृथ्वी की परतें उन पर वैक्यूम बनाती हैं। ये एक कारण हो सकता है कि काबा के ऊपर से इसीलिए हवाई जहाज नहीं उड़ पाती। हालांकि कई लोग मक्का मैग्नेटिक फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और वो लोग कहते हैं, हमने हज और रमजान के दौरान काबा के आसपास सुरक्षा हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा है। और दोस्तों, ये सच भी है, जब रमजान आता है तो सऊदी हुकूमत अपने हेलीकॉप्टर निगरानी करने के लिए काबा के चारों तरफ आसपास उड़ाती रहती है ताकि वो देख सके कि कहीं पर कोई आपत्ति तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो ये दावा बिल्कुल झूठा है कि काबा के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ सकते, काबा के ऊपर परिंदे नहीं बैठ सकते और काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। तो हवाई जहाज के ना उड़ने के पीछे की वजह तो हमने आपको बताई, क्योंकि काबा के ऊपर से हुकूमत ने, वहाँ की जो सऊदी हुकूमत है उसने पाबंदी लगाई है क्योंकि वो नो फ्लाई जोन है, वहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता सिवाय जिसको परमिशन दी जाए। उन्हें छोड़ करके जैसे सिक्योरिटी गार्ड के जो हेलीकॉप्टर हैं वो काबा के चारों तरफ उड़ते हैं। अब ये नहीं पता कि वो काबा के बिल्कुल ऊपर जाते हैं या नहीं, बस इतना देखा गया है कि वो काबा के चारों ओर ऐसे गोल गोल घूमते हैं ताकि वो नजर रख सकें। और आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो हमने आपको अभी दिखाई कि काबा के ऊपर परिंदे बैठते हैं। आप इस कबूतर को देख लीजिए, ये काबा के ऊपर बैठा है। तो ये दावा भी बिल्कुल गलत है कि काबा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठ सकता या काबा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। तो आराम फरमाते हुए कबूतर वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको सही और सटीक नॉलेज देते रहते हैं इस्लाम के बारे में और वायरल खबर के बारे में। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।